दुश्मनी लाख सही खत्म न रिश्ता कीजिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। निदा फाजली साहब के शायद इसी शायराना फलसफे के साथ सपा सुप्रीमो और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ दोस्ती वाला हाथ बढ़ाया। अमित शाह ने अखिलेश से रस्म अदायगी के तौर पर ही सही अभिवादन का हाथ जोड़कर जवाब दिया, फिर अखिलेश यादव की पहल पर हाथ भी मिलाए। दरअसल ये अजीब इत्तेफाक संसद सत्र के चौथे दिन हुआ, जब संसद की कार्यवाही में शामिल होने अमित शाह संसद पहुंचे थे। देखिए इस दौरान करीब से कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक भी गुजर गए। मीडिया की गहमा गहमी के बीच अमित शाह संसद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। अखिलेश यादव संसद की सीढ़ियों पर ही रुक कर मुकुल वासनिक से मिल रहे थे। अमित शाह अखिलेश यादव को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे, लेकिन अखिलेश ने प्रणाम करके अमित शाह को संबोधित किया, हाथ जोड़ा और प्रणाम करके अमित शाह का अभिवादन किया। अमित शाह अखिलेश यादव की आवाज पर रुके, अखिलेश यादव ने सीढ़ियों से चढ़कर खुद ही आगे बढ़कर अमित शाह से हाथ मिलाया। स्पीकर चुनाव के दिन राहुल गांधी की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब ओम बिरला स्पीकर बन गए थे। पीएम मोदी और किरण रिजिजू अपनी सीट से उठकर ओम बिरला की सीट तक उन्हें बधाई देने पहुंचे। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। पीएम मोदी ने हाथों के इशारे से राहुल गांधी को उनसे मिलने को कहा। राहुल गांधी ने उन्हें हाथ मिलाकर बधाई दी। इस बीच राहुल गांधी से पीएम मोदी ने भी हाथ मिलाया। और संसद सत्र के चौथे दिन अखिलेश यादव ने शाह को रोककर उनसे खुद ही मुलाकात की पहल की। कहना गलत नहीं होगा कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष में बैठने के बावजूद यूपी के इन दो नौजवान सांसदों का जोश हाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।